हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी मैं सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले, और मैंने थोड़ा काम वाम करा। और अभी आज है सैटरडे, तो मैं और सुमित जाएंगे मंदिर बाकनेर वाले, तो उसका ब्लॉग शूट करेंगे। अभी मैं जा रही हूँ, काम वाम करूँगी घर का, थोड़ा नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी, फिर खाना खा के फिर नहा धो के जाएंगे मंदिर। तो चलिए फिर हम भी आपको भी लेकर चलेंगे अपने साथ मंदिर। सुमित मंदिर चलोगे? ये बोलता नहीं है गाइस, ब्लॉग में बहुत ड्रामे करता ही है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ काम करने, फिर रेडी होके आऊँगी, फिर ब्लॉग शूट करूँगी आगे का। अब मैं फ्री हो गई थी सारा काम करके 1 बजे के करीब, फिर सुमित और मैं ना थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि अभी हमें शाम ने सोचा कि अब 2 बजे 1:30 बजी गया, 2 बजे मंदिर बंद हो जाता है। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछा तो उसने बोला 3-3:30 बजे जाने के बाद फ़ायदा है। तो मैं सो गई, अब मैं उठी हूँ, तो इस टाइम हो रहा है 5:45। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मैंने पहना ये ऑरेंज कलर का सूट, इसके साथ मैं अपनी वो गोल्डन दुपट्टा लूँगी। सुमित नहा रहा है, रेडी हो रहा है, सुमित भी आ गया नहा के। ये देखो, ज़्यादा नहीं है, नंगू पंगू है अभी वो सेंसर। हाँ ओके, और फिर हम नहा के निकलेंगे, और गाड़ी में नहीं जा रहे हम, जाएंगे किस में जाएंगे हम सुमित मंदिर? ये रिक्शा में जाएंगे हम, हमें यहाँ से एक लेंगे, फिर वहाँ से चेंज करना पड़ेगा और करना पड़ता है, और फिर हम पहुँच जाएंगे मंदिर, और मंदिर का व्लॉग शूट करेंगे, और फिर आएंगे रात को खाना बनाएंगे, व्लॉग एंड कर देंगे। तो चलो तब तक सुमी रेडी हो रहा है, मैं तो रेडी हुई, मिलते हैं फिर मंदिर में। ओके, तो अब हम रेडी होके जा रहे हैं मंदिर, और ये खड़ा सुमी, इसने मेरी टी शर्ट कब जाली फ्रेंड्स, ये मेरी टी शर्ट है, इसको साइज से ही पता चल रहा है कि इसने मांग के पहनी है किसी की। कुछ कहना चाहते हो इस टी शर्ट के बारे में तुम? फिट है भाई, इसको क्या बोलते, किसकी है ये? झूठ झूठ बोल, हर व्लॉग में झूठ बोल गाइस, ये हर व्लॉग में झूठ बोल। बस अब हम निकल रहे हैं घर से, मैंने ले लिया अपना दुपट्टा, हम जाएंगे ई रिक्शा में, गाड़ी की बैटरी तुम्हें थोड़ी दिक्कत है तो गाड़ी में तो जा नहीं सकते, और सुमित का फोन मैंने निकाला चार्जिंग से, और अब चलते हैं मंदिर। तो चले आप भी चलो हमारे साथ, आपने भी मंदिर तो मोस्टली सब जो आसपास के उन्होंने तो देखा ही होगा, चलो चलते हैं। और ये हम निकल पड़े हैं घर से, बाहर आंटी जी बैठी है। जाएंगे ई रिक्शा से जाएंगे फिर, क्योंकि आज हमारी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम ई रिक्शा से जाएंगे आज मंदिर। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, सुमित आ गया, सुमित चले चलो 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 चलो, अब हम जा रहे हैं मंदिर, और बाहर जाके ई रिक्शा लेंगे, फिर मंदिर पहुंच जाएंगे 15 मिनट्स में आई गेस है। सुमित पहले कहाँ जाएंगे? बैटरी दिखाने, गाड़ी की बैटरी दिखाने जाएंगे पहले, और फिर मंदिर जाएंगे वहाँ से सीधा डायरेक्ट। और अब हम आ गए हैं मेन रोड पे, ई रिक्शा इंतजार कर रहे हैं, फिर ई रिक्शा में बैठ के मंदिर जाएंगे। अब आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आए, क्योंकि सुमित कह रहा था बाहर आवाज़ क्लियर नहीं आएगी है। सुमित मुझे तेरी शक्ल नहीं दिखी व्लॉग में, नहीं आएगी आवाज क्लियर। तो आप सब ना मेरा व्लॉग देख के ये वाला जरूर बताना कि आपको ये मंदिर कैसा लगा, और मैं इस व्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लोकेशन भी डाल दूंगी, जो आसपास रहता हो जिसका भी जिक्र है इस मंदिर में जरूर विजिट करना।
आकाश है, ये आकाश है, ये हमें गाइड कर रहा है। इसमें तो पानी भरते होंगे ना बाहर कभी लोकेशन पे? त्योहारों में भरते हैं, त्योहारों में। जैसे त्योहार मनाते हैं तुम्हारा ये अरे कुछ नहीं कहेगा। आ जा। हाँ उधर से मिलने आ रहा था, तूने डरा दिया वो बेचारे की। देख हालत, मीठा खा खा के हो रही है ये। यहाँ बूंदी खाता होगा बस तू। हेलो, मीठा कम खा ले। भाई क्या हाल है? दबानी दबिता नहीं हुंदा भाई, खूब खाई दी हुंदी है। तो भाई खुद भी करते मत दिखा, बढ़िया है लड़का भी। अरे और ये इसमें कभी खुद को निहारते हुए कौन सी सुमित्रा अरोड़ा सिंदूर और टीका बराबर हो रखा है गाइस मेरा। क्या हो रखा है? सिंदूर और टीका देख पूरी लाइन बन रखी है।
ऊपर चलेगा। यहाँ थी ना ग्रिल पहले तो we'll be right back।
जैसे कि आपने देखा कि बाप ने दादा माई वाले को वो करे, आज हमने ब्लॉग बनाया है। तो अगर आपको भी विजिट करने का मन करे तो आप भी इधर ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेनली सैटरडे और ट्यूसडे को यहाँ पे अच्छा होता है। तो आपको कैसा लगा सुमित? मस्त। मैं मंगलवार को भी आऊँगी, सुमित का पता नहीं, तो मैं उसका भी ब्लॉग शूट करूँगी। आ गए हैं मंदिर के बाहर, यहाँ से नरेला का रिक्शा लेंगे और नरेला जाके उतरेंगे और कुछ खाएंगे, उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी मैं। उतर के आए हैं हन्नी पिज़्ज़ा पे, सुमित गया है ऑर्डर करने, एक मील लेंगे और मेरे लिए शेक लेंगे। अब सुमित ऑर्डर करके आ गया है। क्या ऑर्डर करके आया सुमित? कोको आ गई है। वैसे हमारी ये देखो, आंशिको नहीं दिखाऊंगी मैं, ये व्लॉग उनका रोएगा बहुत कोको देख के। आने वाला है हमारा ऑर्डर और ज़्यादा मैं शूट करूँगी क्योंकि यहाँ पे गाने चल रहे हैं, तो मेरा वो आ जाएगा कॉपीराइट क्लेम। सुमित आ रहा है ऑर्डर लेके। सुमित तू ऑर्डर लेने गया था, क्या हुआ? जो फर्स्ट कस्टमर आता है उनके साथ मजाक करते हैं थोड़ी देर के लिए। मुझे नहीं लगता कि हम फर्स्ट हैं आज के। नो, बता दीजिए क्या हुआ। अरे वो शेक रेडी हुआ, चले फिर जो लगे शेक शेक है। गाइस ये बहुत गंदी फीलिंग होती है जब आपको लगे आपको ऑर्डर आ रहा है और नहीं आए। हेलो गाइस, चॉपसी हो गई। हाय गाइस, कोल्ड ड्रिंक पी लो, कॉफी के कप में कोको पी लो। लगता है गाइस अब हमारा ऑर्डर आ ही गया फाइनली। ये मैंने कान में दोनों में ही डंडी डाल दिया है क्योंकि मेरे नीचे वाले भी टूट गए थे, ख़राब हो गए थे। तो आ गया मेरा ऑर्डर। और आज मुझे इनकी एक और बात पता चली कि शेक के साथ साथ इनका 250 रुपये का वो भी आता है पैकेज, जिसमें दो पिज़्ज़ा, एक गार्लिक ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक देते हैं। वो पैकेज भी मुझे बहुत अच्छा लगा, हम वही ले रहे हैं। तो आप भी बताइएगा जो जो नरेला में रहते हैं या अली आसपास जो हनी पिज़्ज़ा पे आया, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हनी पिज़्ज़ा का, क्योंकि मेरा तो लगता है बहुत अच्छा रहेगा। और एक दो बार मैं हूँ, अच्छा ही रहा है मेरा, यहाँ पे काफ़ी क्राउड है। तो चलिए अब मैं अपना ऑर्डर का वेट कर रही हूँ, तब तक मैं बैक व्यू से आपको पूरा होटल का व्यू दिखाती हूँ कैसा है, बहुत प्यारा है। खाना लास्ट दिन बनी आएंगे।
हनी पिज़्ज़ा से पिज़्ज़ा खा के आ गए घर। हमने अपनी गार्लिक ब्रेड पैक करा ली थी क्योंकि हमसे खाई नहीं गई, और अब मैं रिक्शा से घर के बाहर आ गई हूँ सुमित चला गया गाड़ी की बैटरी लेने, और मैं पैदल पैदल घर जा रही हूँ। और आज हमें एक रिक्शा वाली मिली, उसकी स्टोरी मैं आपको घर जाके शेयर करूँगी। और अभी हम आ गए अपनी गली के अंदर और मैं जा रही हूँ घर। सुमित का तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो अपने उसके लिए गया है गाड़ी की बैटरी के लिए। और ये रही हमारी लेफ्ट ओवर गार्लिक ब्रेड जो कि घर में बच्चों के साथ बैठ के सुमित खाएगा। और आज हम जिनके रिक्शा में आए वो एक गर्ल थी, वो लड़की हैं, वो दिन में रिक्शा चलाती हैं, रात को यहाँ के सरकारी अस्पताल में जॉब करती है। तो उनकी मुझे स्टोरी बहुत मोटिवेशनल लगी कि उनकी लाइफ में इतना सब कुछ बुरा हुआ फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, मेहनत करके अपना चला रही हैं और स्टडी कर रही हैं आगे। और ये आ गया है मेरा घर, अब मैं एंटर करूँगी, बाबू के साथ वीडियो बनाऊँगी और फिर व्लॉग को एंड करूँगी। और ये मेरा हनी, घर में आते ही इसने मेरा वेलकम किया। हनु, ये मेरे भोलू टफी। हनी हनी हनु, पाई कर दे, पहले पाई कर दे, बाल आ गई दे मुझे, दे दे, हट गया, ले हटा दिया मैंने बाल। और ये अंश, अंश हेलो बोल दे, नमस्ते कर दे, ओके हनी नमस्ते करो। नहीं मेरी बेटी, क्या हुआ ये भाभी? किधर जा रहा है? अच्छी नहीं लगी? अंश खा रहा है वो। कैसी लगी? अच्छी है, मम्मी को भी दिलाया जा। दे दे देना है। हाँ तो दूंगी ना भाभी को, ये नहीं खा रहा। अंश प्लेट लेकर आ मम्मी से। मैं खिलाती हूँ। मम्मा को दे। क्या हुआ? मैं खिलाऊंगा अपनी मम्मी को। हनु कैसी लगी चिज्जी? अच्छी नहीं लगी? ये खा के दे, बॉल खा ले, बॉल बॉल है, बॉल 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 है, वो बॉल है, खा ले। अच्छी नहीं है? पापा क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं क्या? पापा को नहीं देनी है। तो मैं घर पहुंच गई हूँ और अपने बाबू के साथ मस्ती कर रही हूँ। देखो मेरा बाबू, देखो मेरा बाबू, मोब चलाता है मेला बाबू। क्या चलाता है? क्या चलाता है तू? गोलोई मेरी बेटी, गोलोई। क्या चाहिए मेरी जान को? मैं अपने बाबू के लिए चिज्जी लाई हूँ, तो ना खाएगा चिज्जी? हाँ ये चिज्जी खाएंगे। और मैं इधर आ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलती एक बात बताओ, नीचे बैठ, फाइन किश कर दे फ्रेंच को, और चाची को लिप किस कर दे, इधर इधर आहा, और बोल दे बाय। इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ और मैं अपने बाबू के साथ मस्ती कर ली हूँ। अभी हम क्या खाएंगे? एप्पा नहीं खाएंगे आज, हम खाएंगे चिज्जी। आज बाय कर दे, बाय बाय, मिलते हैं, बोल दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बोल दे नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय फ्रेंड्स।